अरे फहीम भैया, ये वाला घर तो बड़ा अच्छा लगा यार। अबे क्या बात कर रहा, तुम्हें भी ये वाला घर पसंद आया? अरे हाँ यार, शिनचैन और फहीम भैया सचमुच बड़ा अच्छा था। क्या पिंचन भाई, तुझे भी ये वाला घर पसंद आया? भाई साहब यार, मेरे को भी सबसे तगड़ा लगा ये वाला घर भाई, ऊपर से नीचे। अबे भाई साहब यार, मैंने सुना है कि लॉस सेंटोस के जो कबाड़ खाने नहीं है, अरे हाँ फहीम भैया, उसमें भाई साहब कुछ ऐसी गाड़ियां छुपी हुई है जिनको यार रिपेयर कर दे तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी बिकेंगी। अरे फहीम भैया पागल हो गए हो क्या, इतने भीड़ तो हुए पड़े हो यार, और पैसों का क्या करोगे? अबे भाई साहब तू पागल वागल है क्या? अबे उन वाली गाड़ियों को हम रख लेंगे यार, बेचेंगे नहीं भाई, बहुत ही तगड़ी गाड़ियां हैं। अरे यार, पहली बार किसी करोड़पति को कबाड़पति बनते देखा है? पर तू पागल है क्या, उस कबाड़े में से भाई साहब मैं हीरा ढूंढने लाने वाला हूँ। अरे फहीम भैया, कबाड़ी में हीरा नहीं मिलता। अबे पिंचल यार, हीरा नहीं मतलब गाड़ी जो कबाड़ी की होगी ना, उसको भाई साहब रिपेयर करके एकदम सुपर कार बना देंगे हम लोग। अरे फहीम भैया, ऐसा हो सकता है क्या? अबे बिल्कुल हो सकता है भाई, तुझे करके दिखाऊंगा मैं। चल भाई साहब, तू मेरे संग चल तो। अरे फहीम भैया चले चले यार। ओके सब गाइस, आज भाई साहब ये देखो यार, सुबह हमारी बंगले में हुई है, और क्या ही खतरनाक बंगला अपना। वैसे भाई चौप को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा भाई, चौप अकेले अभी तक उसी बंगले पर है। वैसे यार मैंने उस वाले घर को भी वापस से खरीद लिया, अपने पुराने वाले घर को। मैं सोच रहा था यार क्यों उसे मैं बेकू, मतलब बेक तो दिया था बट उसी वाले आदमी से यार मैंने दोबारा खरीद लिया। अरे फहीम भैया क्या बात करे यार, जब खरीदना ही था तो बेका क्यों? अबे पैसों की तब कमी थी, अब कहाँ पैसों की कमी है। ओके सो गाइस, अभी जल्दी से चलते यार हम लोग भाई साहब कबाड़ी गाड़ियों को एक सुपर कार में बनवाने के लिए। अरे फहीम भैया चलो चलो। अरे फहीम भैया वैसे ये तो बताओ यार, कबाड़ी गाड़ियों को हम लोग लाने वाले कैसे हैं? अबे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैंने इन सब का इंतजाम करके रख दिया ऑलरेडी। तुम लोग बस फटाफट से नीचे आओ। ये देखो भाई साहब, क्या ही खतरनाक चीज का इंतजाम करा। अबे भाई क्यों कूद रहे हो भाई, ये बनवा रखा है मैंने। अरे फहीम भैया यार, इधर से कूदने में जो मजा है उधर है, ऐसे आने में नहीं। अबे वो क्यों नहीं आ रहा फिर? अबे शिनचैन तुझे क्या हो गया? अरे फहीम भैया मुझे बड़ी जोर की सुसू लगी थी, फिर मैं सोचा करूं कि ना करूं। चलो मेरे संग भाई, ये देखो इसी वाली गाड़ी से हम लोग कबाड़ी गाड़ियों को उठाने वाले हैं, और आज हम लोग भाई दोबारा से पैसा कमाने वाले हैं। अरे फहीम भैया अभी तो बोल रहे थे यार गाड़ियां नहीं बेचेंगे। अबे हाँ, गाड़ियां बेचेंगे नहीं भाई, खुद के इस्तेमाल के लिए रखेंगे। जल्दी से तुम दोनों बैठ जाओ। अरे फहीम भैया मैं कहाँ बैठूं, आप अपने असली वाले शिनचैन को भूल गए और नकली वाले को बिठा लिया। अबे शिनचैन चल इधर, इधर आ जा इधर। अरे फहीम भैया चलो। अबे कौन सा बोल रहा है तुम में से? अरे यार मैं बोल रहा हूँ यार, ऊपर वाला, एक तो इतनी धूप लग रही है। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा भाई, पहली गाड़ी हम लोग जब बढ़िया सी बनवा लेंगे उसके बाद वो अंदर बैठे, पिंचन ऊपर बैठेगा। अरे हाँ फहीम भैया ये सही है ना यार, मैं तो सोच रहा था मेरे को पराया कर दिया। अबे तू काहे को टेंशन ले रहा है, तेरे को ना पराया कर रहा मैं। ओके सो फटाफट से चलते यार कबाड़ी गाड़ियों के लेने के लिए। अरे फहीम भैया यार कहाँ पर है कबाड़ी की दुकान? अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई, हम लोग पहुँचने वाले हैं। ओके सो गाइस, ये रही कबाड़े की दुकान। अरे फहीम भैया ये तो सचमुच यार कबाड़े की दुकान लग रही है। अबे तो सचमुच क्या है ही वो कबाड़े की दुकान। अबे यार ये गेट क्यों नहीं खुल रहे फटाफट से? ओके सो गाइस शायद से, ओ भाई ये कैसा गेट है? अरे फहीम भैया यार ये तो मुझे लगता है ऐसे ही नकली गेट है। अब हाँ भाई साहब देख रहे हो यार तुम लोग, हमारी गाड़ी इसके आर पर जा रही है भाई, ये क्या ड्रामा है। कोई बात नहीं गाइजर, यहाँ पर जो कबाड़ी गाड़ी हम लोगों को उठानी है। ओके सो गाइजर कौन सी गाड़ी? अरे फहीम भैया ये वैन वाली तो नहीं है। अबे पागल हो गया क्या, ये वैन नहीं है यार, एकदम तगड़ी सी अलग ही चमकेगी वो। और गाइजर आगे की साइड चलते है, इसके ऊपर भी एक गाड़ी है बट ये वाली भी गाइजर गाड़ी नहीं, उसके ऊपर वैन है। यहाँ पर बहुत सारी लाल गाड़ियां है। अरे फहीम भैया ये काली वाली है क्या? अबे हाँ यही वाली तो है। अरे फहीम भैया पागल हो गए हो क्या, लगता है पागलों के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। अबे क्यों भाई पागल तू हो गया होगा भाई, यही वाली गाड़ी असलियत वाली है। अरे फहीम भैया तुम्हें क्या लगता है यार, वो जिंदगी में कभी सुपर कार बन पाएगी? अबे बन जाएगी भाई, मैं बनाऊंगा। तुम लोग गाइस यार वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तभी तो यार तुम लोगों को पता चलेगा कि ये अभी गंदी सी बदसूरत सी दिखने वाली गाड़ी क्या खतरनाक सुपर कार में बदलने वाली है। अरे फहीम भैया चलो चलो। ओके सो गाइस यार मैंने फटाफट से इस वाली गाड़ी को अटैच कर दिया है, अभी जल्दी से यार सबसे पास वाली जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर हम यार इसको एकदम मस्त करवाएंगे। गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो क्या ही खतरनाक लग रही है यार पीछे ये वाली गाड़ी। वैसे देखो यार पूरी जल भुन के एकदम काली पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है शायद से एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर ऐसी आग लग गई होगी। और गाइस यार यही वाली सुपर कार में बदलने वाली है थोड़ी देर में, बस तुम लोग देखते जाओ। अरे फहीम भैया जल्दी ले चलो ना। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, ले चल रहा हूँ ना मैं एक सेकंड। गाइस यार भी फटाफट से लॉस सेंटोस को सबसे जो बढ़िया गैरेज है ना वहाँ पर लेकर चलते हैं। अरे फहीम भैया चलो चलो। अरे फहीम भैया यार कितनी ज्यादा दूर है। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, तुमको कितनी ज्यादा जल्दी पड़ी है। अरे यार मैंने तो पूछा भी नहीं। तो किसने पूछा? अरे इस पिंचन ने। अबे यार पिंचन तेरे को कितनी ज्यादा जल्दी पड़ी है। अरे यार कितनी ज्यादा दूर है। अबे फिर यार पिंचन। अरे फहीम भैया इस बार शिनचैन ने बोला है। अबे यार तुम दोनों क्या हो, एक के बाद एक बोले जा रहे हो। हम लोग बस आ गए, वो देखो यार सामने की तरफ, ये रहा भाई साहब लॉस सेंटोस कस्टम का बहुत ही बड़ा वाला गैरेज। अरे फहीम भैया चलो चलो जल्दी से। ओके सो गाइस भी फटाफट से यार इस वाले गैरेज के अंदर चलते, और वो रहा यार अपना भाई, चलो चलो अबे लाओ ना गाड़ी लाओ। अरे फहीम भैया चलो चलो आ जाओ।
ओके सो गाइस अभी फटाफट से इस वाली गाड़ी को लेकर चलते हैं। अबे तुम दोनों उतर क्यों गए? अरे फ्रैंक भैया इस बार मैं अंदर बैठूंगा। अरे फ्रैंक भैया मेरे को अंदर बैठना था। अबे भाई अब तो देर कर दी तूने, तो एक काम कर यहीं पर खड़ा रहे, मैं तब तक गाड़ी रिपेयर करवा के लाता हूं। अरे ठीक है यार। अबे तुम दोनों बैठो ना। अरे फ्रैंक भैया हम दोनों सोच रहे हैं कि हम में से कौन बैठेगा। अबे तुम दोनों एक काम करो यहीं पर खड़े रहो, मैं फटाफट से वाली गाड़ी लेकर जा रहा हूं, इसको फटाफट से रिपेयर करवाने। अरे फ्रैंक भैया यार जल्दी से गाड़ी लेकर चलो। अबे देख भाई साहब इतने कितनी जल्दी भाई साहब हमारी गाड़ी को रिपेयर कर दिया। अरे फ्रैंक भैया क्या ये सचमुच वही वाली गाड़ी है? अबे हाँ बे वही वाली गाड़ी है, और क्या ही गदर लग रही है गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो। अबे बता यार शिनचैन कलर क्या करवाऊं? अरे पहले तो बढ़िया से रिपेयर करवाओ। अबे ले भाई साहब करवा लिया रिपेयर, भाई तू कलर बता दे फटाफट से। अरे यार मैं तो कहता हूँ कलर करवा दे एकदम मस्त वाला। अबे बता तो कैसा करवाऊं? अरे फ्रैंक भैया यार लाल करवाओ लाल। अरे नहीं फ्रैंक भैया यार पीला करवाओ पीला। अबे यार भाई ये कंफर्म करके बताओ। अरे फ्रैंक भैया नीला ये वाला ठीक है। ओके सो गाइस यार भाई साहब हम लोगों ने यहाँ पर फाइनली ब्लू कलर करवा लिया है, और बताओ तुमने इस गाड़ी के अंदर क्या करवाना है? अरे फ्रैंक भैया इसके जो नीचे लाइटें जलती हरी नीली पीली वाली वो वाली भी लगवा दो। लगवा दो ये व्हाइट कलर की? अरे हाँ यार ठीक है। ओके सो गाइस यार भाई साहब मेरी गाड़ी एकदम खतरनाक तरीके से बन ठन के निकल चुकी है। अरे फ्रैंक भैया क्या ये सचमुच वही कबाड़े वाली गाड़ी है? अबे तुम लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा क्या, ये सीरियसली में गाइस यार वही गाड़ी, और तुम लोग देख पा रहे हो भाई क्या गदर लग रही है। ओके सो गाइस यार फाइनली यार तुम लोग, मुझे लग नहीं रहा था यार कबाड़े वाली गाड़ी इतनी ज्यादा बेहतरीन बनेगी। अरे हाँ फ्रैंक भैया हमें भी नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है। अबे फिर काय बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी आ जाओ यार। अरे फ्रैंक भैया इस बार मेरे को छत पे खड़ा कर दिया। अबे तो पिछली बार शिनचैन ने खड़ा हुआ था। ओके सो गाइस अभी फटाफट से इस वाली गाड़ी को रख के आते हैं, और फिर उसके बाद भाई साहब बारी है आज की दूसरी सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन गाड़ी लाने की। अरे फ्रैंक भैया चलो चलो जल्दी से घर चलो। ओके सो गाइस अभी फाइनली हम लोग आज की सबसे पहली खतरनाक वाली गाड़ी को लेकर आ चुके हैं, और भाई साहब आज हमारा बहुत ही तगड़ा फायदा हुआ है कि शिनचैन। अरे फ्रैंक भैया इसको जल्दी से घर की छत पर रखो, और जल्दी से दूसरी गाड़ी चुराने चलते हैं। ओके सो गाइस इस वाली गाड़ी को हाँ यार यहाँ पर रखते हो भाई साहब, फटाफट से चलते हैं, वो वाली गाड़ी वहीं पर रह गई, चल भाई दूसरे कबाड़ खाने में चलते हैं। अरे चलो चलो। अबे तू भी आ जा पिंचन। अरे आ रहा हूँ यार सुसु करके। अरे चलो ना यार फ्रैंक भैया दूसरी गाड़ी चुराने। अबे चुराने नहीं बे कबाड़ खाने से लाने। ओके सो गाइस अभी फटाफट से आज की जो दूसरी गाड़ी हम लोग कबाड़ खाने से लाने वाले हैं, वो गाइस बहुत ही ज्यादा मस्त है, और वो जब भाई साहब उसको जब हम लोग रिपेयर करवा देंगे ना दुकान से, अरे यार फ्रैंक भैया तो वो क्या होगा? अबे तो वो इतनी ज्यादा गदर दिखेगी जितनी की पहली वाली भी नहीं थी। अरे क्या बात करे यार। अबे हाँ तू बस जल्दी से बैठ यार गाड़ी पे। अरे फ्रैंक भैया यार कहाँ पर है दूसरी वाली गाड़ी? अबे भाई साहब देख नहीं रहा हम लोग पता नहीं कौन सी जगह के कबाड़ खाने में है। तुम लोग यार देख पा रहे हो भाई ये रेतीले वाले पता नहीं कहाँ पर है ये वाला कबाड़ खाना, बट गाइस जहाँ पर भी है अपने को बहुत ही तगड़ी गाड़ी मिलने वाली है यहाँ से। ओके सो गाइस फटाफट से ये देख सकते हो यार तुम लोग, यहाँ पर नाम लिखा है रिसाइकलिंग सेंटर, भाई सब कुछ आता है यहाँ पर, प्लास्टिक एल्यूमिनियम वगैरह ग्लास वगैरह। ओके सो गाइस जो अपनी गाड़ी है ना वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, इस वाले कबाड़ खाने में मिलेगी। अरे फ्रैंक भैया यार गाड़ी वाड़ी कहीं भाड़ में चले, यहाँ से प्लेन लेकर चलते हैं। प्लेन लेकर जाएगा और कहाँ पे रिपेयर करवाएगा? अरे यार उसी वाली दुकान पर, और तेरे को वो रिपेयर करके दे देगा। अरे हाँ यार गाड़ी से भी तगड़ा फायदा तो प्लेन में होगा। अबे तू पागल है, और उसको ले कैसे जाएगा? अरे इस वाली गाड़ी में यार पीछे लटका के। एक काम कर तू अपने कंधे पे लेकर आ उसे। अरे यार पागल हो गया क्या, मैं दब जाऊंगा। तो ये वाली गाड़ी तुझे क्या लगता है वो खींच लेगा? भाई पागल ही हो गया पूरा ही। ओके सो गाइस यहाँ पर गाड़ी को ढूंढता हूँ मैं। अरे फ्रैंक भैया यहाँ तो बहुत सारी कबाड़े वाली गाड़ियाँ पड़ी हुई है। अबे हाँ यार कबाड़े वाली गाड़ी तो छोड़, बस वस भी खूब सारी पड़ी हुई है, बट गाइस इनमें अपने को कोई गाड़ी नहीं लेनी है, पर तो कोई भी गाड़ी ढंग की नहीं है। ओके सो नहीं नहीं यार ये इनमें से कोई नहीं चाहिए, प्लेन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे फ्रैंक भैया ये छोटा वाला तो ले लो। अबे तू पागल हो गया है क्या, यहाँ पर भी गाइस काफी सारी गाड़ियाँ, बट इन कबाड़ी गाड़ियों में से भी हमें कोई सी भी गाड़ी नहीं चाहिए। अरे फ्रैंक भैया यार इधर तो सच में यार बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है कबाड़े की। अबे कबाड़े की नाव भी पड़ी है यार, ये भी रिपेयर करवा के तगड़ा फायदा होगा। अरे फ्रैंक भैया यार गाड़ियाँ लेने आए हो, गाड़ियाँ लो। ओके सो गाइस यहाँ पर कबाड़े का ट्रक भी है। ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अरे फ्रैंक भैया कौन सी वाली? अबे ये वाली देख रहा है क्या खतरनाक है। अरे हाँ फ्रैंक भैया ये तो सचमुच ही खतरनाक लग रही है देखने में। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो भाई यही वाली गाड़ी है, तुम लोग देख पा रहे हो कितने ज्यादा दिनों से ये यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये भी पूरी कबाड़ा हो चुकी है। अरे फ्रैंक भैया इसे कोई रिपेयर भी करेगा कि नहीं? अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई, सब रिपेयर करेंगे। सो गाइस अभी फटाफट से इस वाली गाड़ी को भी ले चलते हैं, और भाई ये वाली गाड़ी तो अलग ही लेवल की बनने वाली है। अबे तू काहे को उतर गया चढ़ना गाड़ी पे? अरे फ्रैंक भैया इस बार मेरी बारी है नीचे बैठने की, मैं कब से धूप में पकड़ा हूं यार। अबे ठीक है भाई पिंचर यार तू छत पे खड़ा हो जा। चल भाई शिनचैन यार मैंने पिंचन को बोल दिया वो छत पे खड़ा हो जाएगा। अरे यार इतनी मस्त हवा आ रही थी अंदर एसी की। एक मिनट मैंने एसी तो चालू ही नहीं किया। अरे यार जो मैंने सुसु किया था वो भी ठंडा था यार, उसकी भी मस्त हवा आ रही थी। अबे मुंह बंद कर। अरे फ्रैंक भैया यार जल्दी से इस वाली गाड़ी को लो ना। अबे यार शांत हो जा मुझे अटैच करने दो। गाइस
सर ये देखो यार, तुम लोग पीछे देख पा रहे हो, ये रस्सी सी है, ये भाई साहब इससे अटैच हो जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। अभी देखना यार। अरे भाई अटैच क्यों नहीं हो रही है? अरे फिर अटैच भी नहीं करना आता क्या? अबे ले भाई साहब, कर दी मैंने अटैच। तो गाइस अभी फटाफट से ये देखो भाई, ये जो हुक नहीं है, ये जो हुक है इससे गाड़ी अटैच हुई है। अरे यार सबको समझ में आ गया, जल्दी से चलो ना यार, मेरे से अब इंतजार नहीं हो रहा है ये देखे बिना कि ये गाड़ी कैसी लगेगी। अबे हाँ यार सही कह रहा भाई, मेरे से भी इंतजार नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगने वाली है। ओके सो गाइस अभी फटाफट से कबाड़ खाने से हम लोगों ने ये वाली गाड़ी उठा लिया है, अभी जल्दी से चलते। एक काम करे क्या? अरे फिर क्या? अबे यार अपने शहर वाले गैराज पे ना जाकर इधर भी कोई गैराज होगा वहाँ पर चले क्या? अरे वहाँ पर सही से गाड़ी रिपेयर करेंगे। अबे सारे गैराज वाले एक जैसे ही रिपेयर करते हैं। हाँ गाइस इधर ही किसी गैराज पे चलते हैं। अरे फैमिली यार कितनी देर से घुमा रहे हो, कोई गैराज वैराज है कि नहीं? अबे वो तो रहा यार, तुम लोगों से इंतजार नहीं होता। अरे यार फैमिली यार मैंने तो बोला भी नहीं है, तो शिनचैन ने बोला। अबे यार एक तो तुम्हारी आवाज सेम सेम है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके सो गाइस देखो यार यहीं पर हम लोगों को आना था गाड़ी वाड़ी रिपेयर करवाने के लिए। एक मिनट, इस वाले दरवाजे में की? हाँ हाँ इसी वाले दरवाजे में। चलो गाइस फटाफट से गाड़ी लेकर चलते हैं। अरे चलो यार। अरे फैमिली यार ये वाली गाड़ी तो बड़ी मस्त कर दी इसने। अबे हाँ भाई साहब एकदम खतरनाक सी लग रही है। और भाई साहब पिंचन तुझे कैसी लगी गाड़ी? अरे फैमिली सही है यार, सही है, जल्दी से कलर चेंज करवाओ। अबे बताओ ना भाई कैसा कलर करवाऊं? अरे यार बताओ तो कैसा कैसा कलर है? अबे पहले देख टायरों का बता दो। टायरों का मैं तो सोच रहा था यार ये वाला करवा दूं, क्या ये भाई खतरनाक लग रहा है। अरे नहीं यार पीला। पीला? अबे कैसी कैसी चॉइस है तुम्हारी ये? अरे नहीं नहीं यार नीला। अबे यार तुम दोनों फिर लड़ पड़े, मैं चल ये करवा रहा हूँ, मुझे यही पसंद है। और बताओ इसका कलर क्या करवाऊं डैशबोर्ड का? अरे फैमिली यार इसका करवा दो यार पीला। अबे यार तुझे कितना पीला पसंद है यार पिंचन? अरे फैमिली मेरा नाम पिंचन, मुझे पीला पसंद है। तो तुझे तो अपनी पोटी भी पसंद होगी। अरे फैमिली यार क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से कलर चेंज करवाओ ना। अरे फैमिली अब चलो यार। ओके सो गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो भाई साहब, आज की जो दूसरी गाड़ी है जिसको यार हम लोग वापस से कबाड़ खाने से लाए, क्या गदर बन गई है। अरे हाँ फैमिली सचमुच यार ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। तो गाइस यार फटाफट से इस वाली गाड़ी को भी लेकर चलते हैं भाई घर। आज तो भाई बहुत ही अपना तगड़ा वाला फायदा हो गया। अरे हाँ यार पहले एक कबाड़े वाली गाड़ी को मस्त वाली गाड़ी में बदला और ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अरे वैसे गाइस यार कमेंट में जरूर बता देना यार तुमको कौन सी गाड़ी ज्यादा बढ़िया लगी, पहले वाली या फिर दूसरी वाली। और हाँ गाइस यार इस वाली गाड़ी के लिए यार तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, वो भी 30,000 लाइक। अरे हाँ गाइस यार 30,000 लाइक का हम कंप्लीट कर देना। अबे कौन बोल रहा है तुम में से? अरे मैं बोल रहा हूँ यार शिनचैन। अच्छा अंदर बैठा है तू। और पिंचन तू क्या बोलना चाहेगा? अरे मैं बोलना चाहूंगा यार 32,000 लाइक का हम कंप्लीट कर देना। अबे क्या दोनों अलग अलग एम दे रहे हो? अरे यार देखते हैं यार तुम लोग किसका लाइक एम कंप्लीट करते हो, शिनचैन का कि पिंचन का, यानी मेरा। अरे हाँ भाई ये भी बहुत ही खतरनाक चीज दे दी यार तुम लोगों ने। चलो गाइस यार कोई नहीं, तुम लोगों पर यार ये कि तुम लोग 30,000 लाइक करते हो यार फिर 32,000 जो भी है भाई कर देना। और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अरे हाँ गाइस यार चैनल को भी फटाफट से यार सब्सक्राइब करो ना, क्या कर रहे हो। ओके सो गाइस यार अभी फटाफट से इस कबाड़ी गाड़ी को लेकर निकलते घर पे। अरे भाई मैं कबाड़ी नहीं यार सुपर कार को। अबे हाँ हाँ वही वही यार, एक तो समझ नहीं आता तुम में से बोल कौन रहा है। अरे फैमिली यार ये हमने कहाँ पर बंगला खरीदा है? अबे खरीदा कहाँ है, मिला है। अबे यार इस वाले आदमी ने भी पता नहीं कहाँ पर बंगला दिया है। कोई बात नहीं गाइस यार फाइनली अभी जल्दी से चल अपनी पहली वाली गाड़ी के पास। अरे फैमिली ये पहली वाली गाड़ी तो नीचे आ गई। अबे पता नहीं भाई कैसे नीचे आ गई, बट गाइस यार तुम लोग देख पा रहे हो फाइनली भाई आज की दोनों गाड़ियां कितनी ज्यादा खतरनाक है। सो चलो गाइस यार तुम लोग अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर ऑन कर देना। अरे हाँ गाइस यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और गाइस यार कमेंट में बताना कि कौन सी गाड़ी तुम्हें बेस्ट लगी, पहली या दूसरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।